press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए ढेर सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं दोस्तों। और आज जो मैं इन्फॉर्मेशन लाया हूं वो एकदम ताज़ी खबर है दोस्तों। आज सुबह सुबह आपने लोगों ने देखा होगा, जो लोग खासतौर से यूट्यूब चला रहे थे, कि भाई सुबह सुबह यूट्यूब हो गया था क्रैश और आपको नहीं मिल रही थी कोई भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन। अगर आप कुछ सर्च कर रहे थे तो वहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन बनकर आ जा रही थी और इंटरनल सर्वर एरर दिखा रहा था। तो दोस्तों क्या है इसके पीछे मैं आपको बताता हूं, लेकिन वीडियो को शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर ले सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक यूं ही पहुंचती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, और पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यूट्यूब जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग कंपनी है, जहां पर सबसे ज्यादा वीडियो शेयर होती है रोज की रोज। ये गूगल की ही एक कंपनी है जो आपको देती है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो, आप काफ़ी सारी नॉलेज ले सकते हो, काफ़ी सारी वीडियो देख सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो खुद को। दोस्तों यूट्यूब एक गूगल की ही कंपनी है जहां पर हज़ारों की तादाद में इंजीनियर्स लगे हुए हैं, काफ़ी सारे प्रोग्रामर लगे हैं जो यूट्यूब के सर्वर को देखते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह देखा गया कि भाई ये यूट्यूब हो गया क्रैश। आप जब सुबह सुबह कुछ सर्च कर रहे थे तो यहाँ पर आपको नहीं मिल पा रही थी इन्फॉर्मेशन और एक ब्लैंक स्क्रीन बनकर आ रही थी दोस्तों। ऐसा इसलिए हुआ कि भाई यूट्यूब अपने सर्वर्स को करता रहता है हर समय पर अपडेट, अपनी एल्गोरिथम को करता रहता है अपडेट, और समय के साथ साथ वो अपने अंदर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट लाता है। लेकिन गूगल के इतने सारे सर्वर हैं, कहने का मतलब यूट्यूब के इतने सारे सर्वर हैं, कि वहाँ पर काम करना होता है बहुत मुश्किल। तो एक एक सर्वर पर वो करता है काम, लेकिन इतने सारे सर्वर्स को एक साथ मैनेज करना बहुत टफ होता है। यूट्यूब कुछ ऐसा ही करने जा रहा था, वो अपने सर्वर को अपडेट कर रहा होगा या कुछ ऐसा एल्गोरिथम डाल रहा होगा जिससे आपको और कुछ अच्छे फीचर्स मिल सकें। तो ऐसे में हो गई उनसे भाई कुछ गड़बड़ और आपका जो है यूट्यूब नेटवर्क हो गया धड़ाम से। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि यूट्यूब में जो सर्वर की इंटरनेट प्रॉब्लम थी, इसी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन हालांकि कुछ समय बाद ये एकदम सही हो गया, लोगों ने कंप्लेन करी भाई यूट्यूब से, कुछ लोगों ने मेल भेजी होगी, जो यूट्यूबर हैं उनके चैनल सारे गायब हो गए थे। तो कुल मिला के यहाँ पर ये बात समझ में आई कि भाई पूरा इनका जो है नेटवर्क हो गया एकदम फेल। हालांकि 3-4 घंटे बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसा था वैसा हो गया। इसके लिए यूट्यूब ने अपने ट्विटर हैंडल पे बताया भी भाई कि ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। तो कुल मिला के जो कहने का मतलब मेरा वो ये है कि भाई यूट्यूब पे हम लोग की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ पर हम लोग जरा सा भी वो गायब होता है तो ऐसा लगता है हमारा कोई पर्सनल चीज़ खो गई हो। तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी चीज़ पर मत बनाए, ताकि हम लोग किसी चीज़ के जाने पर या उसके ना रहने पर हम लोग इतना बेचैन ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की नोटिफिकेशंस आ रही थी, बहुत सारे लोगों की ईमेल्स भी आ रही थी, ट्विटर पे भी बहुत लोग पोस्ट कर रहे थे, फेसबुक वगैरह पे भी लोग इसके स्क्रीनशॉट डाल रहे थे कि भाई क्या हुआ। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि भाई इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी पर अच्छी नहीं होती है। वो भी एक कंपनी है, उनके भी सर्वर हैं, वो भी काम करते हैं लगातार हमारे लिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप भी सामना कर रहे हो यूट्यूब ग्लिचेस का, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहें। और इससे सिर्फ हम ही को प्रॉब्लम नहीं होती है, यूट्यूब एक साल में लगभग 17-18 बिलियन डॉलर कमाती है। तो सिर्फ आज की डेट पे उसे 5-6 मिलियन डॉलर का जो है घाटा हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि भाई उनके सर्वर रहते हैं बंद, तो वो ना तो कोई ऐड डाल पाते हैं, ना तो वो वीडियो से कोई कमाई कर पाते हैं। क्योंकि भाई 3-4-5 घंटे जो है किसी एक बड़ी वेबसाइट का बंद रहना एक बहुत ज़्यादा घाटे वाली बात हो सकती है कंपनी के लिए। तो कुल मिला के ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, कंपनी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो फिलहाल तो अभी ये हो गया है सही, लेकिन इससे रहे सावधान, क्योंकि आगे भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि एक यूट्यूबर होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं काफ़ी दिनों से ग्लिचेस का सामना कर रहा हूँ। कभी कभी मेरे सब्सक्राइबर गायब हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आ जाते हैं, कभी कभी मेरा वॉच टाइम गायब हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद रिकवर हो जाता है। तो ऐसे ग्लिचेस से रहे सावधान, मैं इस पर एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर ले सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक यूँ ही पहुँचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।